एसएसडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कंप्यूटर या लैपटॉप आज इंसान के लिए सबसे जरूरी गैजेट्स में से एक है, जिसका इस्तेमाल हर ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस के साथ साथ हमारे घरों में हो रहा है। इनमें डेटा स्टोरेज के लिए दो तरह के स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो लगभग 50 सालों से ज्यादा समय से कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा है एसएसडी, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। ये हार्ड डिस्क की तरह ही एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो बड़ी मात्रा में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करके रखती है। और आज बाजारों में जो एसएसडीज मौजूद हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी 128 GB से लेकर 956 GB तक है, यानी 1 TB। एसएसडी में डेटा रीड एंड राइट की स्पीड 520 MBPS से लेकर 550 MBPS तक होती है, जो हार्ड डिस्क के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हार्ड डिस्क की तरह इसमें मूविंग पार्ट्स ना होने के कारण ये वाइब्रेट नहीं होता, और ये हार्ड डिस्क के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज प्रोसेसिंग स्पीड देती है। और आज के बदलते हुए आधुनिक दौर में ये लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। एसएसडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करना आपके लिए काफी मुनाफेदार साबित हो सकता है, बशर्ते आपके पास इसकी डिटेल जानकारियां होनी चाहिए। और ये डिटेल जानकारियां आज IID आपके लिए लेकर आया है इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। तो अगर आप एसएसडी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आइए अब जानते हैं एसएसडी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के बारे में। RC कंपोनेंट्स लाइक रेसिस्टर, कैपेसिटर, क्रिस्टल्स, इसके साथ साथ चिप फ्लैश, एसएसडी कंट्रोलर, बेयर PCB, एसएसडी कनेक्टर, एसएसडी हाउसिंग, पैकेजिंग मटेरियल्स आदि की जरूरत होगी। आइए अब जानते हैं SSD को बनाने के लिए जरूरी मशीनों के बारे में। सबसे पहली मशीन आपकी SMT लाइन होगी, जिसमें सोल्डर पेस्ट, पिक एंड प्लेस, रीफ्लो ओवन एंड AOI का सेक्शन इंक्लूड होगा। इसके अतिरिक्त SSD की टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी जरूरी हैं। पैकेजिंग सेक्शन में आपको सीलिंग मशीन की भी जरूरत होगी, और इक्विपमेंट्स एंड टूल्स जैसे लेजर मार्किंग, बारकोड प्रिंटर, स्टिकर प्रिंटिंग आदि भी आपकी मशीनों की लिस्ट में शामिल हैं। आपकी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए इस यूनिट के असिस्टेंट मैनेजर से जानते हैं SSD मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का बिन इशू होगा। बिन इशू होने के बाद वो SMT प्रोडक्शन में आएगा। प्रोडक्शन में आने के बाद हम वहाँ से PCB पिक करेंगे। PCB हमारा लोडर में लगेगा, लोडर से PCB ऑटोमेटिकली लोड होगा। लोड होने के बाद ये हमारा प्रिंटर है, सोल्डर पेस्ट प्रिंटर, इसमें PCB ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा और PCB पे हमारा सोल्डर पेस्ट प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद ये हमारी AOI मशीन है, जो कि हमारा जो सोल्डर पेस्ट की हाइट है, इस प्रिंटर के थ्रू जो हमारा सोल्डर पेस्ट हुआ है उसकी हाइट को मेजर करेगा। अगर कोई फॉल्स कॉल आएगा तो वो स्क्रीन पे हमारा शो कर जाएगा, और फॉल्स कॉल जो होगी वो रुक जाएगी, हमारी मशीन भी रुक जाएगी, और ओके कॉल जो ओके होगा हमारा बोर्ड वो आगे फॉरवर्ड होगा। यहाँ से ये ऑटोमेटिकली कंपोनेंट को पिक करेगा एंड प्लेस करेगा। इसके बाद जब हमारा कंपोनेंट प्लेस हो जाएगा तो हमारा ये है रिफ्लो ओवन होगा। इसमें एक स्पेसिफिक जोन्स होते हैं और उनमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। ये हमारा जो बोर्ड पे कंपोनेंट माउंट हो चुके हैं वो हमारे रिफ्लो में जाएगा। रिफ्लो में डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट डिफरेंट हीट से पास होने के बाद आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे कंपोनेंट पीसीबी पे प्लेस हो जाएंगे तो हमारा बोर्ड हमारा रिफ्लो ओवन में जाएगा। रिफ्लो ओवन में हमारे डिफरेंट जोन्स होते हैं और जोन में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर सेट होता है। जैसे ही बोर्ड अंदर जाएगा तो अलग अलग जोन्स से अलग अलग टेम्परेचर पे पास होगा। यहाँ से पास होने के बाद हमारा बोर्ड AOI पे आता है। ये बेसिकली हमारा ऑटोमेटिक ऑप्टिकल इंस्पेक्शन करता है, जो हमने कंपोनेंट लगाए हैं वो एक्चुअली सही लोकेशन पे हमारे प्लेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो यहाँ से हमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई कंपोनेंट गलत लगा होगा वो हमारा इसी स्क्रीन पे शो कर जाएगा,
और स्क्रीन पर शो करने के बाद हम उसको कैच कर सकते हैं और उसको रिवर्क के लिए भेज सकते हैं। जैसे कि हमने अभी टेस्टिंग को फिनिश किया, टेस्टिंग को फिनिश करने के बाद हमारा SSD RDT पे आएगा, RDT टेस्ट सेटअप पे आएगा और हम यहाँ पे RDT पे SSD को हम इन स्लॉट्स में लगाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारी RDT स्टार्ट होगी तो LED ब्लिंक करना शुरू कर देगी और ये ब्लिंक करेगी जब तक हमारी RDT डन नहीं हो जाएगी। RDT फिनिश हमारी ये अराउंड 1.5 से 2 घंटे में फिनिश होती है, ये डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटी पे भी। जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारा इसका टाइमिंग बढ़ता जाता है। यहाँ पे हमारी RDT फिनिश कर देते हैं। RDT फिनिश करने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है हाउसिंग। अब हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम SSD की हाउसिंग करते हैं। जैसे हमारी RDT डन हो जाता है तो हमारी SSD यहाँ पे स्टोर हो जाती है और यहाँ पे हम SSD को बॉटम हाउसिंग में लगाते हैं। यहाँ पे हमें बॉटम हाउसिंग और टॉप हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम इसको बॉटम हाउसिंग में लगाएंगे। बॉटम हाउसिंग के बाद ये नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमारा टॉप हाउसिंग फिट किया जाता है। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो हम इनको ESD बिन में स्टोर कर देते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। SSD हमारा बॉटम हाउसिंग में फिट हो जाता है। फिट होने के बाद हम टॉप हाउसिंग को इस तरह से फिट करते हैं। इसमें लॉक सिस्टम होता है, ये लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद इसको हम आगे स्टोर कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसको हम इसको रख देते हैं। रखने के बाद ये SSD हमारा ESD स्टोर इस ESD बिन में स्टोर हो जाता है। अब हम SSD को बिन से उठाएंगे। बिन से उठाने के बाद ये हमारा ब्लैंक है दोनों तरफ से, इस पर कुछ स्टिकर नहीं लगा है। अब यहाँ पे हम ब्रांड नेमिंग करेंगे। एक तरफ से टॉप स्टिकर लगाएंगे एंड दूसरी तरफ से हम यहाँ पे एक वारंटी स्टिकर है और बारकोड स्टिकर है। ये लगाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। वीडियो में दिखाए गए स्केल पर अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 4000 से 6000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी। वहीं प्रारंभिक स्तर पर आप SSD मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगभग 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया में शुरू कर सकते हैं और पूरे प्लांट को सभी मशीनों के साथ लगभग 90 से 120 किलोवाट पावर लोड के साथ आसानी से रन कर सकते हैं। और वीडियो में दिखाए गए स्केल पर इस यूनिट को ऑपरेट करने के लिए आपको 30 से 35 लोगों की जरूरत होगी। वहीं प्रारंभिक स्तर पर आप 15 से 18 लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। SSD मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अगर आप प्रारंभिक स्तर पर शुरू करते हैं तो सभी मशीनों के लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। लेकिन अगर आप वीडियो में दिखाए गए लेवल पर शुरू करना चाहते हैं तो आपकी मशीनरी कॉस्ट लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए हो सकती है। वहीं इस बिजनेस में 15 से 20% तक का मार्जिन आप आसानी से कमा सकते हैं। लाइसेंसेस में आपको चाहिए होंगे GST, उद्यम, ISO एंड NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और यदि आप इसके लिए गाइडेंस चाहते हैं तो अभी IID से कॉन्टेक्ट करें। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। IID देश का पहला वर्चुअल इनक्यूबेटर है जो अपने DPR, एक्सपर्ट एपिसोड्स, इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज आदि के माध्यम से आपको व्यवसाय से संबंधित हर क्षेत्र में सहायता करती है। तो देर किस बात की, अभी रजिस्टर करें और बने IID के वैल्यूएबल मेंबर। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में डिटेल में जानकारी तो आप IID से संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपके सभी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह दी गई हैं। आप इसके माध्यम से IID को कॉन्टैक्ट करें और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट करें और सभी इंडस्ट्रियल जानकारियों को अपने मोबाइल फोन पर नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड करें। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।